तो आज आपके साथ कोई हम व्लॉग शेयर नहीं कर रहे हैं, बल्कि समर स्किन केयर रूटीन शेयर करने जा रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा हट करके है। आई होप कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि हम आपके साथ इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो शेयर कर सकें। ये हमारे एक्सपीरियंस पर है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखिए, सबसे पहले तो आप जल्दी जल्दी हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो। क्योंकि आज हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करने जा रहे हैं, और इसके लिए भाई देखिए आपको वीडियो फुल वॉच करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये देखिए कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे, आप सोच रहे होंगे ये सारी चीज़ें हमने क्यों फैला के रखी हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास है बेसन, और ये है हमारे पास रॉ मिल्क, जिसे कच्चा दूध है ना, ये फ्रिज में रखा हुआ था, ठंडा है। और साथ में यहाँ पे हमने देखिए दही रखी हुई है, और ये है शहद हनी, और ये है डाबर गुलाबरी यानी गुलाब जल। तो ये इस तरह से स्प्रे बॉटल थी, इसको हमने इसमें डाल लिया है। और ये देखिए यहाँ पे हमने रखा हुआ है एलोवेरा, फ्रेश एलोवेरा, इसकी लीव रखी है। तो इसको पानी में देखिए किस लिए हमने डिप करके रखा है, ये आपको बताते हैं। तो जब भी आप एलोवेरा यूज़ करिए फ्रेश, तो उसे आधा से पौन घंटे के लिए इस तरह से पानी में डिप करके रख दीजिए, क्योंकि इसमें जितनी इम्प्योरिटीज़ होती हैं ना, वो इसके पानी में निकल जाएंगी। आप देख रहे होंगे यहाँ पे पानी का कलर जो है वो कैसा हो गया है। तो इसको जब भी आप यूज़ करिए, इसको ज़रूर से इस तरह से डिप करके रखिए, उसके बाद ये यूज़ करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो देखिए ये कुछ चीज़ें हमने रखी हैं, ये सारी चीज़ें हमारे घर में, हमारे किचन में अवेलेबल होती हैं। तो भाई इस कदर की गर्मी पड़ रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि गर्मी की वजह से हमारी स्किन, हमारा हेयर, सब कुछ जो है डैमेज हो रहा है। तो इस वक्त हमें ज़रूरत है अपने स्किन के केयर के लिए कुछ होम रेमेडीज़ की, साथ में हेयर के केयर के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए जो रेमेडीज़ हैं वो हमको हमारे घर पर ही अवेलेबल होती हैं, मिल जाती हैं इजीली। ये सारी चीज़ें सबके पास होती, हो सकता है आपके पास एलोवेरा प्लांट ना हो, तो छोटा सा एक प्लांट लगा दीजिए, बहुत जल्दी ग्रोथ होता है, और ये सारी चीज़ें तो होती ही होती हैं। तो ऐसे तो देखिए हम अपने स्किन के केयर के लिए, बालों के लिए बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, महंगे महंगे प्रोडक्ट्स हैं, क्रीम हैं, ये सारी चीज़ें मार्केट से लेकर के आते हैं। तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं भाई देखिए, इसमें केमिकल कुछ ना कुछ तो ज़रूर यूज़ होता है। तो ये हमारे स्किन के लिए जो होता है वो अच्छा नहीं होता है, और फिर हम अपना स्किन जो है वो ख़राब करके बैठ जाते हैं। तो हमें उसका जो भी रिज़ल्ट होता है वो फटाफट मिलता तो ज़रूर है, लेकिन जब तक हम उसे यूज़ करते हैं, जब हम उसको यूज़ करना बंद कर देते हैं, तो वो उसका रिज़ल्ट जो एज इट इज़ जैसे पहला हमारा स्किन था वैसे ही हो जाता है, या हेयर पे हम अगर उसको यूज़ कर रहे हैं तो यही वजह होती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सारी चीज़ें नेचुरल हैं, और इसको यूज़ करने से कोई भी हमारी स्किन को हार्म नहीं होगा, यानी कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कीजिए, जैसे ये हम आपको बता रहे हैं रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध। दूध आपके यहाँ आता है, जैसे ही दूध आए उसमें से थोड़ा सा दूध आप निकाल के फ्रिज में स्टोर कर लीजिए। और ये रॉ मिल्क जो होता है ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपने सुना होगा ना, और अक्सर देखा होगा कि पुराने टाइम में जो रानियाँ होती थी वो रॉ मिल्क से यानी दूध से जो होता था वो अपने नहाती थी, स्किन को वॉश करती थी, ये सारी चीज़ें आपने सुन के ही रखी होंगी। तो आप भी इसे यूज़ करिए, और ये जितनी रेमेडीज़ हैं इसे आप 12 ईयर्स से लेकर के 60 ईयर्स तक कोई भी इसे अपने फेस पर अप्लाई कर सकता है, इसका कोई भी नुकसान नहीं होगा, स्किन डैमेज नहीं होगी, ये सारी चीज़ें नेचुरल होती हैं। तो बिना झिझक बिंदास होकर आप इन सब चीज़ों को यूज़ करिए। तो रॉ मिल्क के बारे में हम ये बता रहे हैं, देखिए ये रॉ मिल्क है, इसे देखिए। और एक चीज़ पहले, सबसे पहले हम आपको बता दें, रॉ मिल्क आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आपका स्किन ऑयली है तो इसमें आप थोड़ा सा पानी यूज़ कर लीजिए, यानी पानी इसमें मिला लीजिए। ये हमारे पास रॉ मिल्क है, इसमें एक चम्मच आप पानी मिला सकते हैं, और उसके बाद इस तरह से कॉटन से आप इसको, कॉटन इसमें इस तरह से डिप करिए, और डिप करने के बाद अपने फेस पे,
अच्छे से मसाज कर दीजिए और थोड़ी देर के बाद 5 से 7 मिनट के बाद ठंडे पानी से अपने स्किन को वॉश कर लीजिए, यानी नॉर्मल पानी से। ठंडा पानी का मतलब ये नहीं कि आप फ्रिज से उठाकर पानी से वॉश कर रहे हैं, नॉर्मल वाटर से आप अपने स्किन को वॉश धो लीजिए, फेस को धो लीजिए, चेहरे को धो लीजिए। देखिए उसके बाद इंस्टेंट ग्लो आपको मिलेगा, लेकिन ये सारी चीज़ करने के लिए आपको टाइम चाहिए। इन सब चीज़ों को करने के लिए कम से कम 40 दिन आपको कंटिन्यू ये सारी चीज़ें करनी ही करनी है। ये स्किन पे डिपेंड करता है कि आपकी स्किन कितनी डैमेज हुई है और किस तरह से है। तो ये नहीं कि आज 2 दिन हमने यूज़ किया और तीसरे दिन हम चाह रहे हैं इसका रिजल्ट हमको फटाफट मिल जाए, नहीं। देखिए इतने दिनों से जब हम कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, यानी जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उन्हें यूज़ कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है स्किन की हमारी क्या हाल हो रखी है वो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसे अपने स्किन को फिर से यंग और अच्छा बनाने के लिए इन चीज़ों को यूज़ करना है, और यूज़ करने के लिए कम से कम इसमें टाइम देना है। ये नहीं कि 2 4 दिन आपने किया और हटा दिया। तो आप ये रॉ मिल्क से सुबह शाम अपने फेस को अच्छे से स्क्रब कर सकते हैं। स्क्रब माने फेस पे आप इसको लगा सकते हैं, आप इसमें रॉ मिल्क ऐड कर सकते हैं। रॉ मिल्क को ऐड करके आप एक पेस्ट बना सकते हैं स्किन पे लगाने के लिए, या आप चाहिए तो ये कर्ड है, दही है, दही जो है इसे डाल करके आप पेस्ट बना लीजिए और साथ में इसमें कुछ ड्रॉप हनी की डाल दीजिए, तो हमारा फेस पैक जो है रेडी हो जाएगा। 10 से 15 मिनट फेस पे अप्लाई करिए, उसके बाद आप अपने फेस को वॉश कर दीजिए। चलिए हम आपको बना करके कहिए तो दिखा भी देते हैं। तो ये देखिए, चलिए अभी हम इसको कर्ड से बनाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ये बेसन रखा हुआ है, इसमें हम कर्ड जो है, दही जो है उसे ही ऐड कर देते हैं। इसके बाद इसका हम एक पेस्ट बना लेते हैं, जितना ज़रूरत है उतना आप यूज़ करिए। इंस्टेंट ग्लो आएगा इससे, आप इसको ज़रूर यूज़ करिएगा भाई। देखिए बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो स्किन देखिए उनकी ख़राब हो ही गई है। और इसके बाद कुछ ड्रॉप इसमें हमने हनी की ऐड कर दी है। तो अभी हमारे पास ब्रश हमको मिल नहीं रहा था, तो हमने इस तरह से आपको ये देखिए दिखा दिया है। ये अगर कर्ड की और ज़रूरत है तो आप दही जो है और यूज़ कर सकते हैं, कर्ड की जगह आप इसमें ये रॉ मिल्क जो है इसे डाल सकते हैं। तो ये देखिए आप इसको अप्लाई कर लीजिए फेस पर। गुलाब जल आप अपने पास ज़रूर रखिए, इस तरह से स्प्रे बॉटल आती है, आप इसमें जो है गुलाब जल जो है रख सकते हैं, और ये बहुत अच्छा टोनर का काम करता है। जितनी बार भी आपके स्किन को पसीना पसीना आता है तो आप इस तरह से स्प्रे कर सकते हैं फेस पे, आप अपने स्प्रे कर लीजिए। और ये फ्रेश एलोवेरा है, किसी भी पैक में आप फ्रेश एलोवेरा डाल के लगा सकते हैं, रात में सोते वक्त स्क्रब कर सकते हैं, अपने फेस पे मसाज कर सकते हैं एलोवेरा से, ये भी बहुत फायदा करता है। तो देखिए आज हमने आपको कितनी सारी ये रेमेडीज बताई हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें आपके घर पे अवेलेबल हैं, आप खुद भी यूज़ करिए, बच्चों को भी यूज़ कराइए। तो आपको बहुत सारी टिप्स हमने दे दी है स्किन केयर के लिए, बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी स्किन को आप हाइड्रेट रखने के लिए पानी का इंटेक बढ़ा दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, यानी 8 से 10 ग्लास पानी दिन भर में लीजिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने पेट को साफ़ रखिए, यानी आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, तभी ये सारी रेमेडीज़ आपको फ़ायदा करेंगी, इसका बेनिफिट आपके स्किन को मिलेगा। तो आई होप कि आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।